जबलपुर के आधारताल थाना अंतर्गत भाई दूज पर बहन से टीका लगवाने गए भाई की हत्या करने की नियत से चार पांच हमलावरों ने तलवार से धनाधन वार कर उसे मरणासन्न कर दिया और जमकर गाली गलौज कर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है तो वहीं पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है। पुलिस ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि शिवा विश्वकर्मा पिता सुरेश विश्वकर्मा उम्र 22 साल शीतलामाई घमापुर का निवासी है, जो दरमियान देर रात अपनी बहन के यहाँ एमलिया मोड़ पर सुरेश कोरी के यहाँ भाई दूज का टीका लगवाने गया था। तभी वहाँ आकाश राजपूत अपने 3-4 साथियों के साथ पहुँचा और कहा कि संगम कोरी से क्यों विवाद कर रहे हो। वह कुछ कह पाता इसके पहले ही आरोपियों ने लात घूसों से जमकर मारपीट कर दी और जब इतने से भी मन नहीं भरा तो तलवार से सिर में ताबड़तोड़ वार कर मरणासन्न कर दिया और मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों के ठिकानों में दबिश दे रही है तो वहीं जाँच अब भी जारी है। हाँ, कल दिनांक को सूचना प्राप्त हुई थी कि दो परिवार आपस में झगड़ा कर लिए हैं, जिसमें आकाश राजपूत अपने नरेश बर्मन के साथ विमलिया मोड़ पर आया तो वहाँ पर अपनी ससुराल में आया तो शिवा विश्वकर्मा शीतलामाई का रहने वाला, हितेश विश्वकर्मा भी शीतलामाई का है, सुरेश कोरी के घर आए थे टीका करवाने के लिए। इसी बात पुरानी बात को लेकर विवाद किए तो आकाश राजपूत और चंदन कोरी नरेश बर्मन ने मिलकर शिवा को तलवार से वार किया, उसको चोट आई है और भी मिराज हॉस्पिटल में भर्ती है और दो लोगों की इसमें अगरक्षा में ले लिया, चंदन कोरी और नरेश वर्मन, और आकाश राजपूत की अभी गिरफ्तारी शेष है तो उसको पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। कोई अभी इनके साथ कुछ विवाद हुए हैं क्या? नहीं, अभी तक इसकी जानकारी नहीं मिली है। ये अभी लव मैरिज की थी आकाश राजपूत ने, उसी को लेकर कुछ उनके मन में मनमुटाव था, उसी को लेकर ये विवाद हुआ है। उपनिरीक्षक अनिल कुमार थाना आधार पर। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।